का सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। ठीक है सर, कल देखेंगे। मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? एक एक मंत्री खड़े होके तो पूरे सांसद खड़े होंगे यहाँ पे। बैठे नहीं है, चुपचाप करिए सर। पूरे सब खड़े होंगे। सर, कांग्रेस पार्टी ने पूरा देश खड़ा होगा आपके खिलाफ, तो पूरा देश आपके खिलाफ खड़ा होगा। मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है, मेरा छोटा सा बेटा, महिला का सम्मान करे, ये सम्मान, एक ही बच्चा था मेरा, कोई शर्म कर लो गल मर, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा। मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, कुछ तो लाई होगी? कहती है, नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है, ये ही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण दूसरे कैंप में, मैं एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं, तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते?
महिलाओं का दर्द सुनने का आप धैर्य दिए, महिलाओं का दर्द नहीं सुन सकते, महिलाओं का दर्द नहीं सुन सकते। जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा, बैठो, जैसे जैसे सर जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को, वैसे ही एक सेकंड में वो कांपने लगी, उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ दो उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। दो भाग के हैं, जब करिए माननीय सभी सदस्यों से कहूंगा शांति रखें प्लीज प्लीज। मणिपुर हाँ क्या बोल रहे हैं अब बोलिए। एक अरे भाई क्या बात है, बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज सदन में पानी पी रहे हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं सर। सर ये राहुल गांधी ने आज जो बातें कही है इस सदन में बहुत ही गंभीर बात किया है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पिछले 7 दशक के चारों लोगों को नॉर्थ ईस्ट में किए हुए हैं, इसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी 7 साल से ज्यादा इस देश को शासन किया है, नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने खत्म किया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जितना मिलिटेंसी है ये कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है। क्या बात करते हैं, प्रॉब्लम अपना बात करते हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में सारा घटना मिलिटेंट ग्रुप है, सारा कांग्रेस पार्टी इसकी वजह से चला हुआ है। बालू जी प्लीज एक मिनट प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, जिस तरीके का व्यवहार आप टेबल पर आकर कर रहे हैं,
इस तरीके से सदन नहीं चलेगा, ये तरीका ठीक नहीं है। जब मैंने किसी को कहा है तो कहा ऐसे सदन नहीं चलेगा। सदन नहीं चलाना चाहते अलग बात है, अब अच्छी बात कही है, गलत तरीका ये नो, ऐसे सदन चलने वाला नहीं है। जो माननीय सदस्य टेबल पर आए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। माननीय मंत्री जी, भारत माननीय मंत्री जी, भारत बैठिए, भारत माता, प्लीज बैठिए, भारत माता, प्लीज बैठिए, प्लीज ब्रदर। मैं बहुत शांति से सुन रहा हूं, इसका तरीका ये नहीं है उचित हो कि आप टेबल पर आए, नहीं गलत गलत तरीका ये। आप जैसे मैंने माननीय सर प्लीज, जैसे मैंने प्लीज ब्रदर ब्रदर प्लीज भाई पानी ले। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो, आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एक मिनट, प्लीज प्लीज बैठे, प्लीज प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है मणिपुर में, मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप, एक तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट, आप भी विराजे, आप भी विराजो, आप बैठिए, सही नहीं बैठिए, रहने दो, आप चलो, आप बैठिए बैठिए, आप प्लीज बैठिए, आप प्लीज आप बोल रहे, फिर आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज माननीय सदस्य प्लीज, प्लीज माननीय सदस्य प्लीज, प्लीज 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 प्लीज, देखिए माननीय सदस्यगण, प्लीज प्लीज माननीय सदस्यगण, भारत माँ हमारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ, आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं,
तो किसकी आवाज सुनते हैं? आजादी। दो लोगों की आवाज सुनते हैं। किसकी आवाज सुनते हैं? माने सदस्य। किसकी आवाज सुनते हैं? माने सदस्य। और इसलिए सुनते हैं। नो, ये गलत तरीका माने सदस्य। देख लीजिए अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है। देख लीजिए आप, ये पहले आप गलत तरीका आपका माने सदस्य आपका गलत तरीका है। आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का व्यवहार सदन में मत करिए। आप बात करिए लेकिन इस तरीके से पोस्ट में लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण दो लोगों की सुनता था। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माने सदस्य आप सही है मिक बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माने राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। आप सदन में किस तरीके का बोलना चाहते हैं? ये सदन है माननीय सदस्य, संसद है। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए।